हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आए हो अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद है। मजा नहीं आ रहा है, स्क्रिप्ट सुनते ही अरशद वारसी ने कराया एक बड़ा बदलाव और ब्लॉकबस्टर हो गई मुन्ना भाई एमबीबीएस। संजय दत्त और अरशद वारसी की फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस रिलीज के साथ 2003 में सिनेमाघरों में छा गई थी। यह एक शानदार कॉमेडी फिल्म थी जिसमें संजय और अरशद की जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिन्हें जान आप हैरान रह जाएंगे। फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जो राजकुमार हिरानी द्वारा लिखित और निर्देशित थी और विनोद चोपड़ा फिल्म के बैनर तले विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित थी। इसमें सुनील दत्त को उनके वास्तविक जीवन के बेटे संजय दत्त के पिता के रूप में उनकी अंतिम फिल्म भूमिका में दिखाया गया था, जो मुख्य किरदार में थे। फिल्म में ग्रेसी सिंह, जिम्मी शेरगिल, अरशद वारसी, रोनी हटगंडी और बोमन ईरानी भी अहम किरदारों में नजर आए थे। मुन्ना भाई की पहली किस्त मुंबई के अंडरवर्ल्ड के एक डॉन मुन्ना भाई पर आधारित थी, जो डॉक्टर होने का नाटक करके अपने पिता को खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन जब एक डॉक्टर अस्थाना उसके झूठ को उजागर करते हैं और कलंकित करता है, अपने पिता का सम्मान पाकर मुन्ना एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है। समस्या तब पैदा हो जाती है जब मुन्ना को पता चलता है कि अस्थाना कॉलेज का डीन है, तो वह बदला लेने की कसम खाता है। साथ ही वह एक डॉक्टर सुमन के साथ रोमांस शुरू कर देता है। इस बात से अनजान की वह उसकी बचपन की दोस्त और अस्थाना की बेटी है। यह फिल्म रिलीज के साथ सिनेमाघरों में छा गई थी और लोगों को यह फिल्म इतनी पसंद आई थी कि यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में अरशद वारसी की भी अहम भूमिका थी। उन्हीं की वजह से मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी लोगों के बीच मशहूर हो गई थी। दरअसल इस फिल्म में पहले अरशद के किरदार का नाम खुजली था, जो एक्टर को काफी अटपटा लगा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा भी किया था कि सर्किट का असली नाम खुजली था और के कपड़े और उसकी हरकतें बहुत अलग थी। उन्होंने बताया था कि नाम सुनते ही ऐसा लगता था कि वो सिर्फ खुजाता रहेगा और तो वो पूरा पैकेज खराब हो जाता है। इस बात को लेकर अरशद उन्होंने राजकुमार हिरानी से गुजारिश की कि उनके किरदार का नाम खुजली से बदलकर सर्किट कर दिया जाए। फिर वैसा ही हुआ जैसा अरशद वारसी चाहते थे। इस बड़े बदलाव के बाद उन्हें फिल्म में अपने लुक भी बदलने पड़े थे, जिसके लिए उन्हें काफी मेहनत भी करनी पड़ी थी। बता दें कि इस फिल्म के बाद इसका सीक्वल भी साल 2006 में लगे रहो मुन्ना भाई के रूप में सामने आया था और दोबारा से मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। वहीं पिछले कुछ दिनों से इसके तीसरे पार्ट को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अरशद ने इस बात को साफ कर दिया था कि अभी इस पर कोई फिल्म नहीं बन रही। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।